तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज आप लोगों के लिए हम इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ चुके हैं कि आप लोग बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि भाई हमें क्रॉसिंग फाउंटेन बनाना सिखाओ। ठीक है, जो बहुत सारे व्यूज आते हैं उस वीडियो, अगर कोई उसको बनाता है तो बहुत ही व्यूज आते हैं उनके। ठीक है, तो आज हम आप लोगों को क्रॉसिंग फाउंटेन बनाना सिखाएंगे, जो बहुत ही ईजी तरीके से हम लोग आप लोगों को सिखा देंगे। ठीक है, और ये जो वीडियो हमारा रहेगा वो 3 से 4 पार्ट में रहेगा, तो छोटा छोटा पार्ट बनाएंगे ताकि हमें अपलोड करने में दिक्कत ना हो और आप लोगों को देखने में दिक्कत ना हो। तो चलो हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से अपना स्टार्ट कर लेंगे। देखो यहाँ पर हम लोगों ने अपना फाइल खोल लिया, मतलब एक नया प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ से अब हम लोग को स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हम लोग को एक छोटा सा घर बनाना होगा, क्योंकि जो हम फाउंटेन बना रहे हैं वो सबसे थोड़ा सा अलग रहेगा, सबसे बेहतरीन रहेगा। ठीक है, तो हम लोग को पहले यहाँ पर बनाने के लिए यहाँ पर एक चाहिए क्यूब। तो सिंपली क्यूब लेने के लिए हम लोग यहाँ पर जो इस ये वाला आप लोग को बटन दिखेगा, मतलब यहाँ पर जो आप लोगों को ऑप्शन दिखेगा क्यूब का यहाँ पर, तो इसमें सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोगों को ये वाला क्यूब को ले लेना है, तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद इस क्यूब में लेने के बाद हम लोग इसके ऊपर ये वाला में जो है इसको सिंपली क्लिक करेंगे, तो इस तरह का आप लोगों को ऑप्शन दिखेगा, या ग्रीन, रेड और ब्लू। तो आप लोगों को सिंपली रेड वाला को इधर से मोड़ देना है, इस तरह से खींच लेना है। ठीक है, जिसे आप लोग खींचोगे तो इस तरह का आप लोगों को दिखेगा। तो इस तरह से आप लोगों को करके इतना चौड़ा कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को ब्लू वालों को भी थोड़ा सा टीन लेना है, खींच लेना है। उसके बाद ग्रीन वालों को भी थोड़ा सा ऊपर कर लेना है, इस तरह से देख कर लेना है ना। इस तरह से आप लोग करने के बाद इसको थोड़ा सा पीछे खींच लेना, इस जगह पर कर देना है ना। उसके बाद आप लोग इसको परफेक्टली थोड़ा सा ऊपर उठा लेना, यहाँ चेक कर लेना आप लोगों का परफेक्टली उठा है कि नहीं उठा है, और इस तरह से आप लोग कर लेना। इसको हम लोग थोड़ा सा पीछे कर लेंगे। ठीक है, और एक एक करके हम बनाएंगे, पहले हाउस बनाएंगे, उसके बाद आगे का डिज़ाइन हम लोग स्टार्ट करेंगे करना। ठीक है, उसके बाद हम एनिमल्स भी डालने आप लोगों को सिखाएंगे, जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को सिखाएंगे एनिमल्स। अभी सिर्फ हम लोग डिज़ाइन बनाना सिखाएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो फटाफट से हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस तरह से कर लेना है, उसके बाद इसी तरह से एक और क्यूब लेना है। ठीक है, तो सिंपली हम लोग यहाँ टैप करके यहाँ एक और क्यूब ले लेंगे, और इसको सिंपली क्या करना है आप लोगों को, इसे लेने के बाद आप लोगों को इस क्यूब को हम लोग कर लेंगे वापस से थोड़ा सा पतला। तो यहाँ से हम लोग ब्लू वाला को टीन के थोड़ा सा पतला कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, जितना उसका साइज है उतना ही रखना है, देखो इतना। ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद हम लोग इसको फिर से पीछे खींच लेंगे, उसके बाद फिर से हम खींचने के बाद आप लोगों को यहाँ पर इसे बड़ा करना है। तो हम यहाँ चार तरह का डब चार में रखते हैं। ठीक है, चार को यहाँ जैसे ये लाइन दिख रहा है, इसको चार में रखेंगे, और इसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे सेम उसके साइज का। तो इस तरह से करने के बाद हम इसे थोड़ा सा उठा लेंगे ऊपर, ताकि हम लोग को पता चल जाए कि हम लोग का साइज हो रहा है कि नहीं। हल्का सा और इसे हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ जाके हम लोग थोड़ा सा और इसे हल्का सा यहाँ से बड़ा कर लेंगे। अब इसे हल्का सा ऊपर नीचे ऊपर करके चेक कर लेना है हम लोगों को, देखो इस तरह से परफेक्टली आप लोगों को चेक कर लेना है। ठीक है, देखो यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से चेक कर लिया है। अब इसे हम लोग यहाँ से जो ये वाला को है, ये वाला क्यूब को हम लोग सिंपली इस, अब ये क्यूब नहीं रहा, ये हमारा क्यूबॉइड बन चुका है। ठीक है, लेकिन भी मैं क्यूब बोलूँगा, ठीक है, आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए इसीलिए। और यहाँ पर मैं इसको मतलब दोनों को मिला के घर टाइप का बना लूँगा। ठीक है, इसको मैं घींच घाच के मतलब कुछ भी करके आप लोगों को इसे घर बना लेना है, एक तरह से परफेक्टली आप लोगों को हाउस का शेप इसे दे देना है। आप लोग इस तरह से कर लेना अपने हिसाब से, जितना बड़ा आप लोगों को चाहिए, मुझे जितना बड़ा चाहिए था मैंने उसके हिसाब से कर लिया है। अब सिंपली आप लोगों को क्या करना है, इसको थोड़ा सा और हम लोग बड़ा कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, इतना बड़ा लगभग कर लेंगे, और इसे थोड़ा सा आगे खींच के इसे बराबर से मिला लेना है इस तरह से आप लोग मिला लेना। ठीक है, अब हमारा एक साइड हो गया, तो सिंपली इस वाले को क्लिक करके इसको फिर वापस यहाँ जो क्यूब यहाँ ऊपर वाला दिख रहा है, ये वाला क्यूब, इसको सिंपली क्लिक करना है। एक बार क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को कॉपी का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली कॉपी में क्लिक कर देना। क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो क्यूब वन दिख रहा है, सिंपली इसको यहाँ से इस जगह पे लेके आ जाना। ठीक है, इसको बढ़िया से आप लोग मिला लेना। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर होता है, इस तरह से आप लोग कर लोगे। ठीक है, इस तरह से आप लोग को कर लेना है, इसको बराबर से आप लोग को मिला लेना है, ताकि थोड़ा सा परफेक्ट शेप आ जाए हमारा। ठीक है, देखो इस तरह से थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं स्लो समझा रहा हूँ तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर लो। ठीक है, और नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, इसे देख लो, इस तरह से हम लोग इसे जॉइंट कर लिए। अब इसके ऊपर हम लोग एक लगाएंगे, क्या बोलते हैं उसे,
इसके ऊपर एक मतलब छत टाइप का बना देंगे। तो सिंपली यहाँ से इसमें किए हम लोग क्लिक, एक न्यू क्यूब ले लिए, उसके बाद फिर हम इसे थोड़ा सा ग्रीन वाला को क्लिक करके हम इसे थोड़ा सा पतला कर लेंगे इस तरह से। अब इसे हम लोग ऊपर की ओर उठा लेते हैं पहले, उसके बाद देखो ऊपर की ओर हम लोगों ने उठा लिया इसे परफेक्ट। अब इसे हम लोग थोड़ा सा खींच देंगे इधर से, इस तरह से खींच लेना है, थोड़ा सा छोटा कर लेना है, हाँ इतना। उसके बाद इसे बराबर से हमें मिला लेना है यहाँ पर, इसे फिर से थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम लोग। आप लोग अपने हिसाब से परफेक्ट कर लेना, अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं स्लो समझा रहा हूँ तो आप लोग वीडियो को फास्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम ब्लू वाला को यहाँ से खींच लेंगे थोड़ा सा इस तरह से। अब इसे हम पीछे ले जाएंगे यहाँ से, देखो थोड़ा सा लग रहा है तो आप लोग और बड़ा कर सकते हो अगर अपने हिसाब से चाहो तो। और इस तरह से हम लोग कर लेंगे परफेक्ट, देख लो देख सकते हो आप लोग, ये परफेक्ट इस टाइप का बन चुका है। अब आप लोगों को क्या करना है, इसे यहाँ से जो चारों को है ना, चारों को यहाँ से क्लिक करना है, ठीक है। ये चारों को हम लोगों ने यहाँ से क्लिक कर लिया, चारों को हम लोग लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोगों को सिंपल प्रेस नहीं करना, लॉन्ग प्रेस कर देना। उसके बाद सबको यहाँ ग्रुप का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली इसमें क्लिक करके ग्रुप कर देना। ग्रुप करने के बाद आप इसे थोड़ा सा लंबा कर लो इस तरह से, देखो अब ये आपका लंबा हो जाएगा। इस तरह से आप लोग करोगे तो पूरा लंबा हो जाएगा। आप लोग जिस तरह का चाहिए शेप उस तरह का आप लोग कर सकते हो। जैसे मैंने ग्रुप में फिर से क्लिक किया, जितना चाहो उतना साइज कर सकते हो, ठीक है। जितना आप लोग यहाँ चाहो उतना कर सकते हो, जितना आप लोग चाहो उतना कर सकते हो, देखो परफेक्ट। आप लोगों को समझ आ गया है ना। चलो तो अब हम आगे आप लोग को सिखाते हैं, तो रुको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। हाँ यहाँ से हम लोग को स्टार्ट करना है। तो हमारा जो ये ग्रुप बना है तो इसको हम लोग थोड़ा सा लंबा करने खोजते हैं, इसीलिए चलो इसे हल्का सा हम लंबा कर लेंगे इस तरह से, ताकि हमारा जो भी एनिमल्स रहेगा वो परफेक्टली रहे। उसके बाद इसके अंदर अभी थोड़ा सा और हम लोगों को करना है काम, है ना। वीडियो हो सकता है 30 मिनट्स का रहे, तो आप लोग को थोड़ा सा भी ये नहीं करना है। आप लोगों को 360 में इसको देखो, 360 क्वालिटी से आप लोगों को परफेक्ट दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पर अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से फिर से आप लोगों को यहाँ से एक और क्यूब नहीं लेना, अब आप लोगों को सिलेंडर ले लेना है। तो सिलेंडर हम लोग यहाँ से लेने के बाद इसे सिंपली यहाँ से आप लोगों को छोटा कर लेना है, ठीक है। आप लोगों को परफेक्ट नहीं दिख रहा होगा, चलो परफेक्ट से इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हो, अब इसे हम लोग थोड़ा सा इस तरह से छोटा कर लेंगे परफेक्ट साइज में, ठीक है। ये आप लोग को बताता हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ, आप लोग देखो आप लोग को समझ आ जाएगा मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से आप लोग को कर लेना है। उसके बाद इसे ग्रीन वाला से खींच के थोड़ा सा लंबा कर लेना है, और फिर उठा लेना है ऊपर की ओर। ऊपर की ओर उठाने के बाद इसे सिंपली अंदर की ओर इस तरह से छोड़ देना है, और आप लोग को देख लेना है बराबर साइज में है कि नहीं है। उसके बाद इसे करने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा देख लेना है नीचे की ओर, हाँ थोड़ा सा और इसे लंबा चाहिए तो थोड़ा सा और लंबा कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इसे थोड़ा सा नीचे कर दो, इस तरह से परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इसी तरह से आप लोगों को जो सिलेंडर है उसमें क्लिक करना है, यहाँ पर इस सिलेंडर में क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप लोग इसको भी कॉपी कर लेना, इस तरह से कॉपी करना, फिर एक बार और कॉपी क्लिक कर देना। उसके बाद दो क्लिक से आप लोगों का इस तरह से आ जाएगा, तो दोनों को इस तरह से मिला के इस तरह का एक बना लेना, ठीक है, जेल टाइप का। इससे आप लोगों को परफेक्ट लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर अपने घींच घाच के आप लोग बराबर कर लेना। अगर आप लोग बिगिनर हो तो आप लोग जाके मेरे चैनल में जाके विजिट करो, आप लोगों को वहाँ पर बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, ताकि आप लोग का बेसिक मजबूत हो जाए और आप लोग अच्छे से बना पाओ। तो इस तरह से आप लोग को बना लेना है। तो देख सकते हो थोड़ा सा इधर उधर लग रहा है, तो मैं इसे मिला लूँगा परफेक्ट साइज तरीके से। इस तरह से हम लोगों ने मिला लिया है। उसके बाद हम लोग इन अब एक हम लोगों को यहाँ से एक क्यूब लेना है, ठीक है। और इस क्यूब को लेके हम लोगों को आगे की ओर ला के इसे ऊपर की ओर ले जाना है, और इसे हम लोग थोड़ा सा लंबा कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोगों को यहाँ पर इसे लंबा कर लेना है, ये बस इतना ही साइज में करना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा कम भी नहीं करना है, इस तरह से परफेक्ट साइज में आप लोगों को लेके आना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ से थोड़ा सा इसे छोटा कर लेना है इस तरह से, ठीक है। ये यहाँ से हमारा इतना साइज में रहेगा और ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हम लोग थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे यहाँ पर, और इसे यहाँ पर हम लोग छोड़ देंगे थोड़ा सा, और बढ़िया से आप लोग मिक्स कर लेना। देखो यहाँ पर हम लोगों का आ चुका है, इस तरह से आप लोग मिला लेना, या फिर इसको थोड़ा सा नीचे भी कर सकते हो आप लोग। तो मैं इसे थोड़ा सा नीचे रखता हूँ ताकि आप लोगों को परफेक्ट समझ आए। तो इस तरह से करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, इन जितने भी सिलेंडर दिख रहे हैं और ये क्यूब, चारों को आप लोगों को एक ग्रुप में लेना है। तो सिंपल से पहले इसको फर्स्ट क्लिक करना है, सेकेंड लॉन्ग प्रेस करते जाना है आप लोगों को, चारों को लॉन्ग प्रेस करके
इन्हें ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। अब आप लोगों को ये ग्रुप करने से क्या फ़ायदा होता है, देखो जब हमारा वीडियो चलेगा ना तो आप लोग इसे उठाने के मतलब वीडियो में आप लोग इसे उठा सकते हो इस तरह से पिंजरा, ताकि एनिमल निकले, फिर एनिमल निकलेगा उसके बाद आप लोग इसे बंद कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप लोग परफेक्टली कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप लोग जैसे आ जाओगे तो ये जो आप लोगों को ग्रुप जो दो ग्रुप दिख रहा है, तो सिंपली ग्रुप जो फर्स्ट सबसे ऊपर जो ग्रुप दिख रहा है ये वाला, उसको ओपन कर लेना है। और इसको ओपन करने के बाद जो ग्रुप वन दिख रहा है उसको इसके अंदर इस तरह से पेस्ट डाल देना है, तो ये अंदर चला जाएगा, देखो चल गया। उसके बाद आप लोग सिंपली देख सकते हो ये हमारा पूरा एक तरह से बन चुका है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग अभी हाइड कर देंगे, ठीक है। आप लोग यहाँ सिंपली ग्रुप में क्लिक करना, लॉन्ग प्रेस कर लेना, उसके बाद यहाँ हाइड का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली इसे हाइड कर देना। इसे हम लोग बाद में ले लेंगे, ठीक है, अभी इसे बाद में हम लोग करेंगे। बाकी ये हमारा बन चुका है सेकंड, हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं स्टेप अपना। तो अब हम लोग क्या करना है, सबसे पहले हम लोग यहाँ से एक और क्यूब लेना है, यहाँ से क्यूब हम लोग उठा लेंगे। और इस क्यूब को लेने के बाद हम लोग को थोड़ा सा इसे थोड़ा सा नीचे सीधे थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, है ना, इस तरह से छोटा कर लेना है और थोड़ा सा इसे लंबा कर लेना है। और जब मन करे, अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं यहाँ हाइड नहीं करेंगे, तो हाइड बिना करे भी आप लोग यूज कर सकते हो, बिना हाइड का भी आप लोग यूज कर सकते हो। तो बिन हाइड का यूज करोगे तो भी ठीक है, हाइड से यूज करोगे तो भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब आप लोगों को सिंपली क्या करना है, अपने जो ग्रुप को है ना, ग्रुप को थोड़ा सा ऊपर कर लेना है इस तरह से, ठीक है, ताकि हमारा जो क्यूब है वो अंदर की ओर परफेक्टली हो सके स्टेबल, ठीक है। अभी से हम लोग थोड़ा सा परफेक्टली करने के लिए इसे थोड़ा सा लंबा कर लेंगे इस तरह से, ठीक है, और इसे मिला लेंगे ताकि थोड़ा सा भी इधर उधर ना हो हमारा। तो इस तरह से हम लोग मिला लेना है। उसके बाद आप लोग इसे चाहे तो पूरा लंबा करते जाना, इस तरह से लंबा कर लेना है, ठीक है, इस तरह से आप लोग लंबा कर लेना और इसे फिर इस तरह से खींच लेना, ओके। इस तरह से आप लोग खींचने के बाद इसे आगे कहीं और कर देना है इस तरह से, और इसे थोड़ा सा छोटा कर लेना ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे। इसे मैं इसे इतना छोटा कर लेता हूँ और इसे पीछे कर दूँगा, देखो और थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं ताकि पीछे थोड़ा सा रहे जगह। और इस तरह से आप लोग को कर लेना है। अब आप लोग को क्या करना है कि जो हमारे ग्रुप जो दिख रहा है, इस ग्रुप को सिंपली यहाँ से लॉन्ग प्रेस करके इस ग्रुप को हम लोग कर लेंगे, यहाँ से कर लेंगे इसे कॉपी, ठीक है, डबल कॉपी करेंगे ताकि और एक बार कॉपी हो जाए। हम लोग को दो और चाहिए, मतलब एक और चाहिए, एक कॉपी तो हमारा हो गया, और एक बार कॉपी क्लिक कर देना ताकि हमारा ये दो को ग्रुप आ जाएगा। ये एक ग्रुप वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया। तो ग्रुप टू में क्लिक करने के बाद आप लोगों को इसे यहाँ खींच लेना है इस जगह पे, ठीक है, परफेक्ट तरीके से। और इस ग्रुप थ्री को हम लोग यहाँ से इस जगह पे कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। देखो इस तरह से आप लोगों को दिखेगा ग्रुप वन टू थ्री सारा हम लोग का हो गया है। चाहो तो आप लोग इसके ऊपर वन टू थ्री भी लिख सकते हो, जो मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ, चलो, लेकिन अभी नहीं सिखाएंगे वो हम, चलो आप लोग इतना बोलते हो तो चलो हम लोग सिखा देते हैं। तो सिंपली आप लोगों को यहाँ पर जाना है टेक्स्ट में, टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को सिंपली यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो दिखेगा टेक्स्ट, सिंपली इसमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसे पूरा कट कर देना है, और यहाँ कट करने के बाद यहाँ वन लिख देना है, ठीक है। तो ये वन जो हमारा लिखा है ये हमारा यहाँ से चल जाएगा इस जगह पे, और इसे हम थोड़ा सा परफेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से नीचे कर लेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग चाहो तो यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं यही फॉन्ट रहने देना हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। ये हमारा वन हो गया। अब आप लोग यहाँ पर टू थ्री लिख सकते हो, ठीक है, जैसे कि मैं फिर से आप लोगों को लिख के दिखाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर मैं इस जगह पे गया इसमें, और यहाँ से फिर हम एक टेक्स्ट उठा लाए, और यहाँ पर फिर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे टू। यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया यहाँ से टू, और इसे ओके कर देंगे। इसे हम लोग ऊपर उठा लेंगे यहाँ से, और इसे हम टू कर देंगे। अगर आप लोग का मन है तो करिए, नहीं तो नहीं है तो आप लोग को जैसा चाहिए वैसा कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग एक और टेक्स्ट उठा के इसे भी हम लोग कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा गाइस, तो आप लोग थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना, स्किप करोगे तो आप ही लोग को समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ थ्री टैप करने के बाद इसे हम लोग यहाँ से इस जगह पे कर लिया हम लोगों ने। देखो हमारा वन टू थ्री आ चुका है ना, इस तरह से आप लोग बना सकते हो। उसके बाद हम लोग एनिमल्स भी लाएंगे, लेकिन कुछ देर बाद अभी हम लोग पूरा बना लेते हैं, उसके बाद एनिमल्स लेके आ जाएंगे, ठीक है। अब आप लोग को सिंपली यहाँ से क्या करना है, आप लोग को यहाँ पर एक लाइन बनाना है, ठीक है, थ्री लाइन बना लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोग एक और क्यूब लेंगे, और क्यूब को लेने के बाद यहाँ से थोड़ा सा आगे करके इसे हम लोग पहले थोड़ा सा सेम साइज में कर लेते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने इसे मिला लिया, अभी से हम लंबा खींच लेंगे, देखो इस तरह से, ठीक है। अभी से हम लोग चौड़ा कर लेंगे बढ़िया तरीके से, ये हमारा, ताकि हमारा एलिफेंट परफेक्टली, या फिर जो भी एनिमल आप लोग डालना चाहते हो
वो परफेक्टली आ सके ठीक है। तो ये हमारा आ चुका है फर्स्ट, है ना। उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा परफेक्टली कर लेना है, ठीक है, ताकि हम लोगों को दिक्कत ना हो। ये हमारा एक हो गया। अब इसी तरह से हम लोग दो और चाहिए, तो इसमें सिंपली क्यूब में क्लिक करके हम लोग इसे ग्रुप, नहीं ये गलत हो गया, हमारा ग्रुप नहीं करना है इसे, ठीक है। इसे जैसे हम लोग यहाँ क्यूब देखो, पहले हम लोग क्या कर लेना, आप लोग जो ये टेक्स्ट दिख रहा है ना, सबको यहाँ पर ग्रुप में बना लेना, सब में लॉन्ग प्रेस करके इसे ग्रुप कर लेना, ताकि ये ग्रुप बन जाए, ताकि हम लोगों को दिक्कत ना हो। अब जो ये वाला क्यूब है, इसको सिंपली क्लिक करके यहाँ से आप लोगों को कर लेना है कॉपी, डबल कॉपी कर लेना, ठीक है। और क्यूब टू को आप लोग यहाँ खींच लो, और क्यूब जो थ्री दिख रहा है इसको हम लोग सिंपली यहाँ खींच लेंगे इस तरह से, ठीक है। और ये हम लोगों को कर लेने के बाद क्या करना है आप लोगों को, आप लोग अब अपने हिसाब से कोई भी तरह के जगह पे डिजाइन बना सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर इस तरह से बना लिया हूँ। तो अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ करने के बाद आप लोगों देखो, पहले ये और ये क्यूब को जो है, ये दोनों क्यूब है ना, उसको हम लोग बाद में ऐड कर लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, ताकि इधर ना उधर ना हो। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से हम लोग फिर एक और क्यूब लेंगे और उसे यहाँ खींच लेंगे, और यहाँ पर हम लोग इसे फिर से छोटा कर देंगे शेप में, और इसे फिर से हम लोग यहाँ से चौड़ा कर देंगे इस तरह से, देखो, और इसे हम लोग यहाँ से इस तरह से खींच लेंगे, ठीक है। और इसे फिर से थोड़ा सा पतला कर लेना है आप लोगों को इस तरह से, है ना। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से इसको लंबा कर लेना है, है ना, इस तरह से। आप लोग थोड़ा सा लंबा नहीं करना चाहो तो भी नहीं कर सकते हो, लेकिन आप लोगों को अगर करना चाहते हो तो कुछ अलग तरीका बताते हैं आप लोगों को। तो इसको पहले हम लोग छोटा कर लेंगे हल्का सा, कुछ नया तरीका आप लोगों को बताते हैं। इसे हम लोग छोटा करने के बाद इसे हम लोग थोड़ा सा पीछे कर लेंगे यहाँ पर, परफेक्ट, नहीं तो इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ये हम इसे इतना बड़ा कर देते हैं, और इसे हम लोग यहाँ की ओर खींच लेंगे। इसे खींचने के बाद जो हमारा और एक है, ये छोटा वाला, इसको यहाँ लेके इसे बराबर मिला लेना है आप लोगों को, देख लेना है सेम साइज होना चाहिए। ये रहा हमारा सेम साइज हो गया है। तो अब इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा टेढ़ा कर लेंगे इस तरह से करके, इसे यहाँ से टेढ़ा कर लेंगे। आप लोग मेरा जनरेट होता है उसे देखते रहना, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद हम लोग इसे बिग कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब इसे आगे पीछे करके आप लोग मिला लेना, ये हमारा यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है। और फिर ये आप लोगों को क्या करना है, ये वाला को सिंपली एक बार और कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद इसे यहाँ लाने के बाद इसे थोड़ा सा इधर मोड़ लेना है इस तरह से, और इसे आप लोग यहाँ से आगे की ओर और यहाँ से थोड़ा सा पीछे की ओर करके बराबर से मिला देना है। देखो परफेक्टली आप लोगों को मिला लेना है, ठीक है। आगे पीछे थोड़ा सा होगा तो उसे परफेक्ट कर लेना है। इस तरह से आप लोग मिला लेना, ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, अपने हिसाब से पहले कर लेना आप लोग किस तरह से आप लोगों को कैसा चाहिए। थोड़ा सा इसे हम ऐसे कर लेते हैं, देखो इस तरह से हम लोग को कर लेना है। उसके बाद हम लोग यहाँ से एक और यहाँ से क्यूब ले लेना है, और क्यूब लेने के बाद इसे आगे की ओर ले लेना है, घींच लेना है, ठीक है। और इसे हम लोग पूरा बड़ा कर देंगे, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, लगभग कितना है, इतना बड़ा हम लोग को कर लेना है, परफेक्ट। और इसे फिर यहाँ से इस तरह से घींच लेना है, और इसे फिर से हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, यहाँ से मिला लेंगे, ठीक है, देख लेना है आप लोगों को, परफेक्ट होना चाहिए इधर से। देखो यहाँ से हम लोगों का आ चुका है परफेक्ट। इस तरह का डिज़ाइन आप लोगों को बना लेना है, देखो कितने परफेक्ट डिज़ाइन दिख रही है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आगे की ओर इसे थोड़ा सा हम लोग और लंबा कर लेंगे इतना, और इसे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है, इस तरह से, यहाँ से इतना कर लेना। देखो अब यहाँ परफेक्ट डिज़ाइन लुक आ रहा है। अब इस लुक को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करके जो हमारा ये वाला है इसके ऊपर हम लोग कुछ बनाएंगे, ठीक है, ताकि थोड़ा सा उन लोगों को जो आते हैं उन लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो। तो चलो हम लोग यहाँ से आप लोगों को यहाँ से हम लोग को एक सिलेंडर ले लेना है, और इस सिलेंडर को आगे की ओर ले जाना है इस तरह से, है ना। उसके बाद इस सिलेंडर को एक बार हम लोग कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद जो कोई भी एक सिलेंडर, फर्स्ट या सेकेंड, जो भी सिलेंडर आप लोग चाहो उसे क्लिक करके उसे थोड़ा सा हम लोग डिजाइन बनाएंगे, ठीक है। देखो जैसे हम लोगों ने इस सिलेंडर को लिया, और इसे हम लोग कर लेंगे थोड़ा सा चेंज, जैसे कि हम लोग इसको कर लेंगे थोड़ा सा उलट देंगे, ठीक है। इसे मैं इसे इस तरह से पलट दूंगा, ठीक है, मैंने इसे इस तरह से पलट दिया, और ये हो जाएगा यहाँ पर इस जगह परफेक्ट इस तरह से आ जाएगा। और जो हमारा ये सिलेंडर है, इससे इस सिलेंडर को हम लोग यहाँ से
थोड़ा सा लंबा कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा पतला कर लेंगे, इस तरह से हम लोग कर लेंगे, ठीक है। देख लो ये हमारा हो चुका है, अब इसे हम लोग ऊपर की ओर ले जाएंगे इस तरह से। अब जो हमारा ये जो सिलेंडर था, ये वाला सिलेंडर, उसको सिंपली हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, इस तरह से कर लेना है, और इसे थोड़ा सा मोटा चौड़ा कर लेना है इस तरह से, और इसको थोड़ा सा चौड़ा उड़ा कर लेना है, ठीक है, परफेक्टली बना लेना है इसे हम लोगों को। देखो इस तरह से, अब इसे हम थोड़ा सा लंबा कर देंगे और इसे हम लोग ऊपर की ओर खींच लेंगे इस जगह पे। देखो हमारा आ चुका है इस तरह से। देखो जैसे हमारा एनिमल आएगा तो ये हमारा घूरेगा, जैसे किस तरह से घूरेगा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। ये इस तरह से घूरेगा, ठीक है, थोड़ा सा अलग टाइप से घूरेगा, अभी थोड़ा सा आप लोगों को बताने के लिए मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा अलग टाइप में घूरेगा, ठीक है। तो हमारा 20 मिनट का वीडियो बन चुका है, आप लोग लाइक कर देना, आप लोगों के लिए 20 मिनट का वीडियो अभी तक मैं बना चुका हूँ। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसे फिर से सीधा कर लेते हैं, और इन जो ये जो हम लोग का सिलेंडर है, इसे सिंपली हम लोग यहाँ से ग्रुप कर लेंगे, ठीक है। इसको हम लोगों ने ग्रुप में चेंज कर दिया है। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से इसके आगे हम लोगों को जो ये हमारा जो बना है, इसको सिंपली एक ग्रुप को, इस ग्रुप को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इस ग्रुप को हम लोग यहाँ से आगे की ओर ले जाएंगे। देखो यहाँ से हम लोगों ने इसे सेलेक्ट कर लिया, इस ग्रुप को, है ना। ये देखो थोड़ा सा पीछे चल जाना, हो सकता है आप लोगों को नहीं बनेगा, और इसको हम लोग यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग एक बार सेव कर लेना, ठीक है। सेव करते रहना आप लोग, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बनाओगे आप लोग, सिंपली यहाँ थ्री लाइन में क्लिक करना है एक बार, देखो इस तरह से, और यहाँ पर आप लोग सेव का ऑप्शन दिखेगा, इसे सेव करते जाना, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, जैसे यहाँ पर इस तरह से आप लोगों को देखिए कितना बढ़िया हम लोगों का बन चुका है, ठीक है, आधा बन चुका है। अब इसे हम लोग क्या करना है, अब आप चाहे तो आप इसे और लंबा कर सकते हो ये, और अगर आप नहीं चाहे तो कुछ और भी कर सकते हो। अगर आप लोग टेम्पल रन खेल चुके हो, सबवे सफ़र खेल चुके हो, या फिर रनिंग कोई भी रनिंग गेम खेले हो, तो उसमें आप लोग देखते हो तो उसके हिसाब से भी आप लोग बना सकते हो, ठीक है। बस हम लोग इतना ही बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी दिक्कत ना हो। तो चलो अब हम लोग करते हैं यहाँ पर कुछ अलग। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया है, उसके बाद हम लोग यहाँ से ले लेंगे एक और क्यूब, ठीक है। अगर हम लोग उसको नहीं चाहे तो यहाँ ये वाला क्यूब को कॉपी कर लेते हैं, ताकि उतना दूर से हम लोग क्यों लाएंगे, ठीक है। तो इस क्यूब को सिंपली हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और इस क्यूब को कॉपी करने के बाद यहाँ से हम लोग इसे आगे लेके आएंगे यहाँ तक, और इसे हम लोग कर लेंगे थोड़ा सा चौड़ा, ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा चौड़ा करके, और इसे हम लोग थोड़ा सा पीछे लेके यहाँ पर रख देंगे, देखो इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हम लोग को कर देना है परफेक्टली, और उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर कर देना है, और फिर यहाँ पर हम लोग को कुछ तो करना पड़ेगा। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसको ले लेंगे, और अब हम लोग फिर से सिलेंडर चाहिए तो हम लोग दूसरा सिलेंडर क्यों ले, इसी को कॉपी करके हम वहाँ ले लेते हैं, ठीक है। सिंपली इसको क्लिक कर लिए हम, देखो इसको हम लोगों ने यहाँ से क्लिक कर लिया, और इसे हम लोग कॉपी कर लेंगे, ठीक है। नहीं, हम लोग को वहाँ से लाना ही पड़ेगा गाइस, ठीक है, चलो हम लोग वहीं से लेके आते हैं। तो सिंपली हम लोग यहाँ से एक और यहाँ से एक सिलेंडर ले लेंगे। सिलेंडर लेने के बाद आप लोगों को दिखेगा, इस सिलेंडर को हम लोग यहाँ से यहाँ खींच लेना है, और इसे हम लोग एक बार कर देंगे कॉपी। तो इस सिलेंडर को यहाँ से कर देंगे हम लोग कॉपी, और इसको कॉपी करने के बाद एक को यहाँ ले जाना है, थोड़ा सा उधर साइड हम लोग कर लेंगे पीछे यहाँ पर, और इस वाले को हम लोगों को भी पीछे ले जाना है परफेक्टली, ठीक है। यहाँ पर जैसे हम लोग मिला लेंगे, अगर आप लोग चाहो तो कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। देखो हो गया, अभी से हम लोग उस साइड पे छोड़ देंगे यहाँ पर परफेक्ट साइड में, ठीक है। अभी से हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इस सिलेंडर को हम लोग यहाँ से डिलीट कर देंगे, और इस सिलेंडर जो दिख रहा है इसको बड़ा कर लेते हैं, ताकि सेम साइज में वो भी हो जाए। तो ये हमारा यहाँ से कर लेना है, इसे यहाँ से खींच लेंगे, और इसे यहाँ से इस तरह से खींच लेंगे। अभी से हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं, यहाँ से बढ़िया से मिला लेते हैं, उसके बाद हम इसे ऊपर की ओर उठा देंगे इस तरह से, और इसी को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद इसे हम लोग यहाँ से यहाँ पर रख देंगे। देखो यहाँ पर हम लोगों ने इसे इस तरह से रख दिया, उसके बाद हम लोग यहाँ से एक और क्यूब लेके आएंगे, और इस क्यूब को हम लोग यहाँ की ओर कर लेंगे, खींच लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस क्यूब को ऊपर लेके, और इसे हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे खींच खींच के। देखो ये हमारा इतना लगभग
कर लेना है और इसे यहाँ से बराबर कर लेना है। देखो इस तरह से हम लोग यहाँ पर रख के बराबर करके इसे ऊपर उठा लेना है और इसे थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे और, ठीक है। इसे हम लोगों ने इसे साइज में थोड़ा सा बड़ा कर लिया इस तरह से, है ना। अब हमारा लास्ट ही ये वीडियो अभी इतना ही रहेगा, बाकी आप लोग सेकेंड पार्ट में देख लेना, ठीक है। और इसे हम लोग यहाँ से लेके आएंगे और इसे थोड़ा सा ऊपर कर देंगे इस तरह से। देखो हमारा फिनिश लाइन बन गया। अब यहाँ पर आप लोग चाहो तो एंड लिख सकते हो, जैसे कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे लिखना है, ठीक है। उसके लिए आप लोगों को फिर से यहाँ पर जाना है। यहाँ से आप लोग जिस तरह से टेक्स्ट लेते हो, टेक्स्ट लेने के बाद टेक्स्ट को सिंपली आप लोग यहाँ से पीछे की ओर खींच लेना है यहाँ पर, और फिर यहाँ जूम करके आप लोग इस टेक्स्ट को ऊपर की ओर ले जाओ अगर अभी मन है तो, नहीं तो आप लोग लिखने के बाद भी ले जा सकते हो, ठीक है। मैं अभी ये ले जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर हम लोग लेके आ जाए, अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इंड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं इस पे और टेक्स्ट में क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन दिखेगा यहाँ योर टेक्स्ट में, तो सिंपली यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इंड। बिग बिग लिख देते हैं, ठीक है, बिग बिग। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया इंड। अब इस इंड को हम लोग चाहो तो बड़ा कर सकते हो, किस तरह से करना है मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो सिंपली पहले हम लोग इसे रोटेट कर लेंगे। देखो थोड़ा सा ये गड़बड़ लग रहा है मेरे को, तो ये हमारा इंड आ चुका है, ठीक है। इंड हमारे थोड़ा गड़बड़ नहीं लग रहा, देखो तो किस तरह से लिखा। ओ हमें समझ आ गया, ये देखो थोड़ा सा इसे रोटेट करके चेक कर लेना है ना, नहीं तो आप लोगों को थोड़ा गलत उलत लग सकता है। तो यहाँ हमारा परफेक्ट हो चुका है इंड, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, तो इसे ठीक कर लेना आप लोग और इसे मिला लेना है, ठीक है। इस तरह से आप लोग मिला के ऊपर नीचे चेक कर लेना और इसे बड़ा कर लेना है, ठीक है। थर्ड ओलम जाके इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। ब्लू वाला को हल्का सा घींच देना इस तरह से चाहो तो, और इसे हम लोग और बड़ा कर लेंगे और इसे और लंबा कर लेंगे, ठीक है। अब इसे हम लोग थोड़ा सा मिला लेते हैं फिर से एक बार ताकि ये परफेक्ट बने। हाँ ये हमारा दिख रहा है। इसके बाद हम लोग यहाँ से इसे घींच के नीचे की ओर यहाँ पर रख देंगे। देखो इस तरह से आप लोग कर सकते हो, और इसे पीछे खींच लेना यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से। देखो हो गया, देखो हमारा इंड आ चुका है। अब इंड को चाहो तो आप लोग कलर कर लो अभी, ताकि इंड हमारा फिर हम लोग जब बनाएंगे तब भूल ना जाए, ठीक है। तो यहाँ सिंपली कलर में जाके हम लोग इसे ग्रीन कलर कर लेते हैं, ठीक है। ग्रीन रेड जो चाहे आप लोग कर लेना, ठीक है। इस तरह से आप लोग ग्रीन कलर कर लेना इंड। देखो इस तरह से हमारा बन चुका है फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट वीडियो हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, और इसको जब हम लोग कलर करना सिखाएंगे सेकंड वीडियो में आप लोगों को कलर करना सिखा देंगे, और थर्ड वीडियो में जो आप लोग मतलब इसका थर्ड पार्ट जो रहेगा उसमें आप लोगों को एलिफेंट या फिर कोई और एनिमल्स को लाना सिखाएंगे, ठीक है। थ्री एनिमल्स को ला के दिखाएंगे आप लोगों को। तो आप लोग फटाफट से इसको शेयर कर दो अगर आप लोग का कोई दोस्त बनाता है इस टाइप का तो, और अगर नहीं बनाता है तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दो। सेकेंड पार्ट को देखना ना भूलो, ठीक है। सेकेंड पार्ट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख लो, और हो सकता है कि आप लोगों को थर्ड पार्ट भी देखने को मिल जाए, तो आप लोग एक बार चेक कर लेना सेकेंड और थर्ड पार्ट, ठीक है। मिल जाएगा तो आप लोग उसे कर लेना, ठीक है। तो चलो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़।